A very good morning, class 12. Today I will be teaching you how to make the standard solution of Mohr salt, and in the next video we will do the standard solution of oxalic acid. For your titrations of redox titrations, you require one solution to be prepared yourself, and one solution, that is KM4, is always provided by the school. So you will be required to prepare Mohr salt solution. I am doing the preparation of 100 ml, because we have a vessel of 100 ml. 100 ml of M/20 Mohr salt solution. Now, what is this Mohr salt? Mohr salt is, formula has ferrous sulfate, ammonium sulfate with 6 water molecules. अब बेटा, क्योंकि इसमें ferrous है इसलिए ये colored होगा. इसमें 6 water molecules है इसीलिए ये crystalline भी होगा. Molecular mass, if you calculate for this, इसका chemical name ferrous ammonium sulfate with hexahydrate. Molecular mass definitely ज़्यादा आएगा बेटा, इतना बड़ा formula है तो mass तो ज़्यादा आएगा ही. Now, to prepare the solution, आपके पास molarity की information है, which is M/20. Molarity is equal to moles of the solute, B is for solute, divided by volume of the solution to be taken in liters. What is moles? Weight of the solute upon molecular mass of the solute divided by volume of solution in liters. Formula में डालें, तो molarity कितना है? 1/20 दिया हुआ है. Weight of solute तो हमको निकालना है कि कितना weigh करना है. 392 is the mass of this which you should learn. तो ये रहा 392. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ओनली 100 ml, दैट इज वॉट वी आर प्रिपेयरिंग. पर बेटा ये लीटर में लेना है तो डिवाइड बाई 1000, तो इसके ऊपर 1000 ले लिया. इसको आप कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू निकाल लो, और एल्स मैं रीअरेंज करके इसको देख रही हूँ. तो वेट ऑफ सोल्यूट की वैल्यू क्या आएगी? मोलारिटी इंटू ये यहाँ ले जाऊँ तो मॉलिकुलर मास, इंटू ये यहाँ ले जाऊँ तो वॉल्यूम इन लीटर्स. सो द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी वेट ऑफ द सोल्यूट दैट यू वॉन्ट टू वे इज इक्वल टू द मोलारिटी विच इज गिवन टू यू इंटू मॉलिकुलर मास विच यू शुड नो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स. आपके स्कूल में अगर 250 ml वाला है तो 250 ml वाला यूज करेंगे, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली 100 ml का वेसल होता है मेजरिंग फ्लास्क, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर वन सेट ऑफ टाइट्रेशंस. सो 1/20 इज गिवन टू यू, बनाना है. 392 इज द मॉलिक्यूलर मास. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बना रहे हैं? 100 ml, बट लीटर्स में लेना है तो 100/1000. इसको क्विकली कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, तो आपकी वैल्यू 1.96 आ जाएगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग 100 ml. नाउ वी विल डू द प्रेपरेशन ऑफ द सोल्यूशन. फॉर दिस यू रिक्वायर अ डिजिटल बैलेंस. डिजिटल बैलेंस में 0.00 तक रीडिंग आ जाए तब स्टार्ट करिएगा. यू कैन यूज अ पेपर टू वे, यू कैन यूज अ फिल्टर पेपर टू वे, यू कैन इवन यूज अ वॉच ग्लास, वट एवर इज आस्क्ड बाय योर टीचर और द वे यू वॉन्ट टू डू इट. ये रखा तो पहले हमको पेपर का मास चाहिए. एज यू कैन सी दैट द मास ऑफ द पेपर इज 0.91. ये रहा मास. द वेट ऑफ द फिल्टर पेपर इज 0.91. अब इसके अंदर मुझे मोहर सॉल्ट डालना है. मोहर सॉल्ट कितना लेना था बेटा? 1.96. तो दोनों को जोड़ लो, ऐड करो, यू एंड अप इन 2.87 हमको टोटल चाहिए. तो फिल्टर पेपर का वेट और मोहर सॉल्ट का वेट टोटल मिलके 2.87 होना चाहिए. सो नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग द मोहर सॉल्ट टू द पेपर. मोहर सॉल्ट होता क्या है? ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर ये रहा उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है. ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, पॉलिथीन के अंदर ये होता है, बिकॉज इट इजीली अंडरगोज एरियल ऑक्सीडेशन, इसलिए केयरफुली हैंडल करना होता है. एज आई सेड इट इज ग्रीन कलर्ड सॉलिड, ऑल्सो इट शुड बी क्रिस्टलाइन, यू कैन सी इट इज सो. फाइन, नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग इट टू माई पीस ऑफ पेपर. कब तक? जब तक 2.87 हो जाए. तक बेटा थोड़ा सा ध्यान से डालना. 2.87, क्या बढ़िया. कैन यू सी एग्जैक्टली 2.87 आया है, पर बेटा 2.88 भी आ जाए ना तो फिक्र मत करना. 2.87 ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अगर हो गया तो नॉट टू वरी मच. ठीक है, नाउ केयरफुली यू विल ट्रांसफर द सॉल्ट टू द मेजरिंग फ्लास्क. ये मेजरिंग फ्लास्क है, मेजरिंग फ्लास्क कांच का भी होता है, मेरे पास प्लास्टिक का है, और इसमें यहां पर एक मार्क होता है, यहां तक आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना होता है. दिस इज द फनल, सो यू विल पुट द फनल ऑन टू द मेजरिंग फ्लास्क. केयरफुली ट्रांसफर द सॉल्ट दैट यू हैव वेड थ्रू द फनल इन टू द मेजरिंग फ्लास्क. बेटा जब हम मोहर सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है बिफोर एडिंग वाटर. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का पर्पस है टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस. कितना डालना है? 2-3 ml डाल सकते हैं. सो दिस इज माई 2-3 ml, रफली 2-3 cm इन लेंथ. ये इसमें डाल दो ताकि इट गेट्स वेट एंड प्रिवेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ द मोहर सॉल्ट. डाल दें. नाउ आई नीड टू एड वाटर टू इट. तो वाटर को ना पहले थोड़ा सा साइड से डाल देना कि अगर कोई क्रिस्टल रह गया हो तो इसमें चला जाए. फाइन, थोड़ा सा वाटर डालने के बाद प्लीज शेक इट प्रॉपरली सो दैट दिस डिसॉल्व्स.
उसके बाद यू कैन ऐड द रेस्ट ऑफ द वाटर। बेटा यहाँ तक भरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब यहाँ पे आ जाएगा ना वाटर तो बहुत फास्ट राइज होगा, तो यहाँ पर आने के बाद यू कैन ऐड इट विद ड्रॉपर। सो आई एम एडिंग द वाटर इन टू दिस फ्लास्क, एज यू कैन सी द वाटर इज बींग एडेड, प्रेस करके, एंड आई विल स्टॉप एट दिस, यू कैन स्टॉप एनी वेयर एट दिस, फाइन। इस पर मैं रुक गई, क्यों? बिकॉज दिस पार्ट इज ट्रिकी, यहां पर अगर ओवरशूट हो गया तो दोबारा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। सो माई एडवाइज इज कि आप थोड़ा सा वाटर टेस्ट ट्यूब में ले लेना और फिर उसको ड्रॉपर से यू कैन यूज टू एड इट। दिस इज द ड्रॉपर, प्लीज पे अटेंशन, आई एम एडिंग इट, कैन यू सी द लेवल राइजिंग, कैन यू सी द लेवल ऑफ वाटर राइजिंग, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी एबल टू। सिर्फ ये इस पॉइंट तक आ जाएगा, उतना ही डालेगा बेटा, ड्रॉप वाइज डालना ताकि वो उसका लोअर मेनिस्कस उस पॉइंट पर आ जाए। दैट्स इट, योर सॉल्यूशन इज रेडी, यू कैन शेक इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफर इनटू अ बीकर एंड देन यूज, क्योंकि बेटा ये अभी होमोजेनस नहीं है, ऊपर डाइल्यूट है नीचे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो यू विल ट्रांसफर इट टू अ बीकर, आई सेड डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफर इट टू अ बीकर, ओनली देन विल यू यूज इट। इज दैट ओके? फाइन, अंडरस्टूड? With this, I end the preparation of standard solution of Mohassol. Next video would be on the standard solution of oxalic acid. Thank you. Do well in life. Bless you loads.